टिप्स फॉर पीटी रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। मेरे पास कुछ टिप्स हैं पीटी की रीडिंग के लिए, जो आपकी रीडिंग में बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डो नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट्स ऑन दिस टास्क। आपने ईच क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा लगाओगे तो आपके मार्क्स बढ़िया नहीं आएंगे, आपकी रीडिंग के फिल इन दी ब्लैंक्स भी छूट जाएंगी बीच में। सो यूज़ द नॉलेज ऑफ ग्रामर। अगर आपकी ग्रामर बढ़िया होगी ना, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे रीडिंग में। तो आपकी ग्रामर पे फोकस कीजिए अपनी। डेवलप गुड वोकेबलरी। आपकी वोकेबलरी बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि पीटी की रीडिंग में वोकेबलरी बहुत डिफिकल्ट आ रही है पेपर में। कॉलोकेशंस ऑफ वर्ड्स रेस्क्यू, गेट अ जॉब, ये एग्जांपल है कॉलोकेशंस की। सो आपको कॉलोकेशंस पता होनी चाहिए। ट्राई एलिमिनेशन स्ट्रेटजी, इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। लर्न राइट वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। आपने राइट वर्ड्स यूज़ करने हैं उसमें, वहाँ पे जाके देखने हैं जहाँ के उसके मीनिंग सिमिलर हों, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। लर्न राइट वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग। सो ये थे हमारे टिप्स रीडिंग की। सो ध्यान दीजिएगा आप इनके ऊपर। अगर आपका पेपर है, आपको पता होना चाहिए आपने ईच क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ग्रामर चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए, कॉलोकेशंस पता होना चाहिए, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, सिमिलर वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।